क्या कह रहे हो? तुम डॉक्टर हो? यार मुझे डायबिटीज के शुगर के कोई सिम्टम्स नहीं है यार। इसका मतलब तुम्हारी रिपोर्ट झूठ कह रही है। यार देखो, ना तो मुझे शिवरिंग हो रही है, ना मुझे पसीना आ रहा है, ना मैं बार बार लू जा रहा हूँ, आई एम फाइन। देखिए, पहले पहले इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन फिर जब ये बीमारी बढ़ती है तो फिर बैंड बजना शुरू हो जाता है, समझे? एग्जैक्टली, ठीक कह रहे हैं तिवारी जी। अब उठो और जाओ उनके साथ जॉगिंग पर। जब मेरा दिल करेगा तब मैं जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो विभू तुम? एक तो वो बेचारे उठकर तुम्हारी मदद करने आए हैं और तुम उनसे ऐसे बिहेव कर रहे हो। शुक्र मनाओ, एहसान मनाओ कि तुम्हें ऐसे पड़ोसी मिले। अरे हमारे जैसा पड़ोसी तो आपको हजार वाट का बल्ब लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे पड़ोसी पालने का, तो भाभी जी के चक्कर में आप। जी क्या फरमाया? ये आपकी भाभी जी की वजह से, ये अनु की वजह से मैं आपको झेल रहा हूं। तो विभू, मैं तुमसे कह रही हूं कि उठो और जाओ तिवारी जी के साथ जॉगिंग पर। कम ऑन, गेट अप। मुझे नहीं जाना, बस बात खत्म हो गया। मनो विभू, क्या है ये? उठो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अरे विभू, तुम आ गए जॉगिंग करके? अच्छा रहा ना तिवारी। क्या बोल रहे हो? तिवारी जी ने भगा भगा के दम निकाल दिया यार, बड़ा कमजोरी महसूस कर। सॉरी, देखा विभू, तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है, यानी कि तुम्हारे शुगर लेवल्स इतने बढ़ गए कि तुम कमजोर होते जा रहे हो। अरे यार, ये कमजोरी शुगर लेवल्स की नहीं है यार, मुझे मोहल्ले में मैं 100 चक्कर काट के आ रहा हूँ, मालूम है? मेरी जबान बाहर आ गई भागते भागते। तिवारी जी ने मुझे इतना भगाया, इतना कोई भागेगा तो किसी को भी कमजोरी आ जाएगी यार। ओ मेरे विभू, 100 चक्कर भागा, मेरे विभू कमजोर हो गया। मैं तुम्हारी कमजोरी दूर करने के लिए तुम्हारे लिए टेस्टी लौकी का जूस बनाती हूँ। एक्साइटेड? मैं बना रही हूँ तुम्हारे लिए। वो मेरा फोन आ रहा है, रुको, पहले मैं फोन पे बात करती हूँ फिर बनाती हूँ। वेट, लौकी का जूस। तिवारी जी ने मेरे सामने इतनी बार और इतनी सारी जलेबी खाई है कि मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है, मुझे मीठा चाहिए। हाँ, फ्रिज में पेस्ट्रीज रखी है। यस। और बीमार आदमी कैसा फील कर रहे हैं आजकल? तू मिठाई विठाई बिल्कुल मत खाइएगा, आपको सख्त मना है, और पेस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं। तिवारी जी, देखिए आपने प्लीज। अच्छा बनियान कहीं का। मार गयो रे। विशी, दो चार रसगुल्ले घुमा के अभी भी मार दीजिए ना। अब हरभूति जी कैसे बा? अभी जी ठीक नहीं हूँ। कहाँ हो? आपकी शुगर फिर से बढ़ गई का? अरे शुगर कहाँ बड़ी, शुगर घट गई, बल्कि शुगर खत्म हो गई। अभी शुगर रहा ही नहीं, मैं शुगर फ्री हो गया भाभी जी। लेकिन लड्डू के भैया तो कह रहे थे। अरे लड्डू के भैया की बात मत करिए आप उससे। काहे? लड्डू के भैया कॉन्स्टेंटली अनु का कान भर रहे हैं। बस भाभी जी ये सब छोड़िए, बस आप हमारी प्यास बुझा दीजिए। क्या बोले? वो रसगुल्ले की चाशनी इस बेबस को पिला के हमारी रसगुल्ले की जो प्यास है वो बुझा दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, हम आपको मीठा खाने ना ही दे सकते हैं। और लड्डू के भैया कह रहे थे कि लड्डू के भैया की तो भरभूति जी कसम देता हूँ मैं आपको कि आप प्लीज मुझे चार, सिर्फ चार रसगुल्ले दे दीजिए, बस ज्यादा नहीं। हदिया, लड्डू के भैया की कसम दे दी भाभी जी, सिर्फ चार रसगुल्ले दे दीजिए, सिर्फ चार रसगुल्ले बस। हदिया, नहीं नहीं, हम भी आपको फिर अनीता जी की कसम देते हैं, आप सिर्फ एक ही रसगुल्ला खाएंगे। ठीक है भाभी जी, मैं एक रसगुल्ले से संतोष कर लूंगा। हाँ ठीक, बाय लीजिए अंगूरी।
अंगूरी हमने तुमने मना किया था ना, और फिर भी तुमने। लड्डू के भैया, ये हमको आपकी कसम दे दी है। कल को ये हमारी कसम देकर तुमसे कहेंगे कि हमारा खून कर दो तो तुम कर दोगे? हम कसम ना ही तोड़ सकते ना। इन दैट केस आपको कसम है लड्डू के भैया की, मुंह तोड़ दीजिए इनका। बकवास बंद कीजिए और ये बताइए कि दिन दहाड़े आप हमारे किचन में घुसकर क्या कर रहे थे? चल निकलिए यहां से। तिवारी देखिए, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, आपके हाथ में जो ये रसगुल्ले हैं आप मेरे हवाले कर दीजिए, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। रसगुल्ले तो क्या तुमको गुइया भी नहीं मिलेगी। अरे जी, इस वक्त आप मेरी साइकोलॉजिकल पोजीशन नहीं समझ रहे हैं। मैं इस वक्त मजनू हूं और ये रसगुल्ले मेरी लैला है, और इसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी कर गुजरूंगा। तिवारी जी, आई नीड देम, मुझे क्रेविंग हो रही है। अगर तुम्हें अपनी लैला चाहिए ना तो आई ले ले लीजिए। लैला को देना पड़ेगा आपको, लैला को देना पड़ेगा। देखिए लैला को देना पड़ेगा। अरे दादा, जो कहो रहे हो अप्पू सिंह जी, अच्छा हो गया आप आ गए। देखिए ना, ये दिन दहाड़े हमारे घर में घुसकर रसगुल्ले चुरा रहे थे, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। तुम यार भैया विभूति, तुम्हारी ये छिछोरपन, एक ठहर जा यार, एक सेकंड रुक जा, इतनी दाल चावल सब पसड़ो है यार। अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, ना ना कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं सुनने, तुम्हें जो कुछ कहने हैं वो तुम हवालात में कहियो। दरोगा जी, काहे अरेस्ट कर रहे हैं आप इनको? अभी जी, इट्स नॉट अरेस्ट, इट्स अरेस्ट। सही पकड़े हैं, काहे इन्होंने चोरी थोड़ी ना की है। अरे अंगूरी, तुम कानून के मामले में क्यों टांग अड़ा रही हो फालतू में? लेकिन हम कह रहे हैं रसगुल्ला मांगने के लिए आए थे बस। इन्हें शुगर की बीमारी है, इनके लिए रसगुल्ला मांगना भी बहुत बड़ा गुनाह है, समझी? बकवास बंद कीजिए आप। अगर आपने रसगुल्ले खाने बंद नहीं किए ना, अभी मैं आपका खून कर दूंगा, बाय गॉड। देखिए अप्पू सिंह जी, हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, इन पर एक और धार लगती है, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर की। यार कसम से कह रहे तिवारी यार, तुम बहुत बड़ी चिरांद हो यार। अरे जब हम चुपचाप इनको अरेस्ट करके ले जा रहे तो तुम काय को राय तो फैला रहे, आराम से रसगुल्ले खाओ ना। अरे अरे, क्या अप्पू सिंह जी, आप विभू को क्यों अरेस्ट करके ले जा रहे? गोरी मैम, इन्होंने बहुत संगीन जुर्म कियो है। क्या हुआ, कहीं विभू ने किसी लड़की को छेड़ दिया क्या? ना ना गोरी मैम, वो तो संगीन नहीं, वो तो रंगीन जुर्म होतो है। तो फिर क्या किया है विभू ने? अनीता जी, हम बताते हैं क्या किया है। अरे एक मिनट, हम बताते हैं। भाभी जी, क्या है कि इन्होंने हमारे किचन में घुस के रसगुल्ले चुराने की कोशिश की। हमारी कसम, अप्पू सिंह जी, आप विभू को एक रसगुल्ले के चक्कर में अरेस्ट कर रहे हैं? ऐसा है गोरी मैम, कि पुलिस की नजरों में एक पत्थर को टुकड़ा चुरा वो भी जुर्म होता है। अरे यार, मैंने कोई चोरी नहीं की है यार, भाभी जी से पूछो। भाभी जी बताइए ना, प्लीज बताइए बताइए। भाभी जी बताइए, भाभी जी, भाभी जी। अच्छा छोड़ो, अंगूरी जी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।